हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिनेश साइंस सॉल्यूशन दैट इज GS2। इन लास्ट लेक्चर वी हैव सीन सम क्लासेस, वी हैव स्टार्टेड द क्लासेस ऑफ अल्गीज। इन लास्ट लेक्चर वी हैव सीन अबाउट क्लोरोफाइसिन। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ कलर्ड अल्गी, वी कैन से कॉमनली तीन कलर के अल्गीज जो देखे जाते हैं, रेड अल्गी, ब्राउन अल्गी एंड ग्रीन अल्गी। ठीक है, उसी ही हिसाब से उनका क्लासिफिकेशन किया गया है, उनके अलग अलग क्लासेस किए गए हैं। ठीक है, तो हमने ग्रीन अल्गी देखा था जिसको जो क्लोरोफाइसी क्लासेस में आते हैं, ग्रीन अल्गी। ठीक है, इसके पिगमेंट्स हमने देखे थे, जो उनके पिगमेंट है वो क्लोरोफिल एंड ए एंड बी है। ठीक है, इनका जो सेल वॉल है वो तो ऑफ कोर्स सेलुलोज का है। ठीक है, लेकिन इट इज़ कवर्ड बाय पेक्टोस टू मेक सेल रिजिड, ये भी हमने देखा था। कुछ मेजर क्लास जो डिफरेंसेस है वो हमें कंसिडर करने हैं टू कंपेयर अदर क्लासेस ऑफ अल्गी। ठीक है, तो पहले हाँ, देन वी हैव सीन पायरेनॉइड्स, क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक फूड स्टोरिंग क्या कह सकते हैं, एक ऑर्गेनिल की तरह, फूड स्टोरिंग ऑर्गेनिल की तरह प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है, प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर फूड स्टोर होता है, तो दैट वाज अ पायरेनॉइड। हमने देखा क्लोरोप्लास्ट के डिफरेंट शेप्स होते हैं, रिबन शेप, रॉड शेप, स्पायरल शेप, कप शेप, डिस्क शेप, ओवल शेप। ठीक है, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट के जो शेप्स हैं वो वेरी करते हैं। इसके एग्जांपल्स हमने देखे थे, क्लैमिडोमोनास देखा, स्पायरोगेरा देखा, कारा देखा, ओलोथ्रिक्स, वोल्वॉक्स, ये सारे एग्जांपल आते हैं ग्रीन अल्गी के। ठीक है, देन नेक्स्ट क्लास फियोफाइसी। दिस इज अ सेकेंड क्लास ऑफ अल्गी। ठीक है, तो इन्हें कॉमनली कहा जाता है ब्राउन अल्गी, ब्राउन अल्गी। ओके, देन व्हाट इज कैरेक्टर्स ऑफ दिस ब्राउन अल्गी। सबसे पहले ये ब्राउन अल्गी है मतलब इनका कलर क्या है, जो कलर शेड है वो समवॉट ब्राउनिश होगा। क्यों होगा? ड्यू टू द पिगमेंट्स। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? पिगमेंट्स। जो मेन पिगमेंट्स है वो है क्लोरोफिल ए एंड सी। ठीक है, यहाँ पे जो डिफरेंस है वो मैं नोट कर रही हूँ, अंडरलाइन कर रही हूँ, वो देखना। पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए एंड सी, मेजर पिगमेंट्स, एंड कैरोटीनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल्स। ये कुछ मेजर पिगमेंट्स हैं। अब ये जो ब्राउन अल्गी का कलर है, ब्राउन कलर, ब्राउन शेड, ये डिपेंड करता है ज़ैंथोफिल एंड फ्यूकोज़ैंथिन पे। अगर ज़ैंथोफिल का कॉन्सेंट्रेशन कम रहा तो ये है जो अल्गी है कुछ ग्रीनिश ब्राउनिश शेड शो करेंगे। अगर ज़ैंथोफिल फ्यूकोज़ैंथिन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहा पिगमेंट में तो जो ये ब्राउन शेड है वो डार्कर होता जाएगा, ज़्यादा ब्राउन दिखने लगेगा। तो ये जो ज़ैंथोफिल है, फ्यूकोज़ैंथिन है, इनकी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है ब्राउन कलर। ओके, सो पिगमेंट्स आर क्लोरोफिल ए एंड सी, कैरोटीनॉइड्स, ज़ैंथोफिल्स। ओके, देन सेल वॉल। जैसे कि हमने क्लोरोफाइसी में देखा, ग्रीन अल्गी में देखा, सेलुलोज तो है ही, सेलुलोज की सेल वॉल होगी। लेकिन ये जो ब्राउन अल्गीज है उनकी जो आउटर कवरिंग होती है, सेलुलोज की आउटर कवरिंग कुछ जिलेटिनस होती है, मेड अप ऑफ अल्जिन। ठीक है, सेल वॉल इज कवर्ड बाय जिलेटिनस अल्जीन।
ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। जेली लाइक जिलाटिनस जो क्या है वाटर को पेनिट्रेट नहीं होने देगा सेल में, उस काइंड का जो शाइनी स्ट्रक्चर होगा वो अल्जिन का स्ट्रक्चर, ये सेलुलोज की सेल वॉल को कवर करेगा। ठीक है, तो इनकी हैबिटेट, दीज आर मोस्टली मरीन अल्गी, मोस्टली ये कैसे होते हैं, मराइन अल्गी होते हैं। ठीक है, तो ये सी वाटर में रहने वाले मरीन अल्गी है मोस्टली। देन नेक्स्ट कैरेक्टर, शेप्स वैरीज, देयर शेप्स एंड साइजेस वैरीज फ्रॉम सिंपल फिलामेंटस टू ब्रांच्ड। मतलब ये जो अल्गी है इसमें के जो ऑर्गेनिजम्स है या फिर अल्गीज है थियोफाइसी क्लास के, इसमें क्या होगा, सिंपल अल्गीज भी देखने मिलेंगे, फिलामेंटस अगर रहे तो वो एक्टोकार्पस जीनस से बिलोंग करेंगे, एक्टोकार्पस। फिलामेंटस अल्गी इसका एग्जांपल है, एक्टोकार्पस एक जीनस है। ठीक है, एक्टोकार्पस जीनस में फिलामेंटस अल्गी देखने मिलेंगे अगर ब्रांच रहे। ठीक है, फिलामेंटस के साथ ये अगर ब्रांच रहे तो दे कैन, एग्जांपल इज कैल्प्स। कैल्प्स का एग्जांपल हमने देखा था, प्लांट लाइक मैसिव स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ये कैल्प्स कैन ग्रो अप टू 100 meters। ठीक है, ये क्या है, मराइन अल्गी है। सी बॉटम पे ये जो कैल्प्स है वो ग्रो करते हैं और 100 meters तक, मतलब इनकी जो हाइट होती है 100 meters तक ये ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, मतलब हमारे जो नॉर्मली जो हाइटेड प्लांट्स हैं उनसे भी ज़्यादा, हमारे जो लार्जर प्लांट्स है टेरेस्ट्रियल प्लांट्स जो हम कॉमनली देखते हैं तो उनसे भी ये क्या है, ज़्यादा ग्रो करते हैं। तो ये इनकी साइजेस एंड शेप्स इस तरीके से वेरी करते हैं, सिंपल भी देखने मिल जाएंगे ब्राउन अल्गीज फिलामेंटस में, एक्टोकार्पस जीनस से होंगे, ब्रांच में इसका एग्जांपल है कैल्प्स। ठीक है, तो कैल्प्स बिलोंग्स टू थियोफाइसी ब्राउन अल्गी। ठीक है, देन वो पिगमेंट्स हो गए, सेल वॉल इज कवर्ड बाय अल्जीन, देन हैबिटेट हो गई। अब इनका जो शेप एंड साइज है वो भी हमने देख लिया, देन इनका स्ट्रक्चर देखते हैं। मैं ये सेल का स्ट्रक्चर यहाँ पे निकालती हूँ, सेल्यूलोस एंड अल्जीन। ओके, अब इनका शेप देखते हैं, किस तरीके से होता है। एग्जाम्पल फ्यूकस, कुछ इस तरीके से ये अलगी दिखते हैं फ्यूकस के। थैलस बॉडी हमें पता है कि अलगी का स्पेसिफिक कैरेक्टर क्या है, इट इज़ अ थैलोफाइटा, थैलस बॉडी है। ठीक है, कोई स्पेसिफिक रूट स्टेम लीव्स ऐसे कोई पार्ट्स नहीं है। ठीक है, तो इनके जो बॉडी पार्ट्स है तो कुछ इस तरीके से है। ये जो लोअर मोस्ट पार्ट है दिस इज होल्ड फास्ट। क्या है ये होल्ड फास्ट, जिस सबस्ट्रेटम से ये अटैच होंगे, ठीक है, जहाँ पे ये ग्रो करेंगे लाइक एनीथिंग, जैसे कि मरीन में किसी सबस्ट्रेटम में, जैसे कि स्टोन पे है, किसी एरिया पे, सॉलिड एरिया पे ये अटैच हुए हैं, तो ये क्या है, किससे अटैच होते हैं, होल्ड फास्ट। टू होल्ड फास्ट इज द स्ट्रक्चर बाय विच दे अटैच
इज द स्ट्रक्चर बाय विच दे अटैच टू सबस्ट्रेटम. ओके, दीज आर फ्रॉन्ड्स. फ्रॉन्ड इज लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक पार्ट. ठीक है, तो ये क्या है, जो ये थैलस दिख रहा है, जो फोटोसिंथेटिक ग्रीन पार्ट होगा, दैट विल बी फ्रॉन्ड. ठीक है, उसे क्या कहेंगे, लीफ नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कोई स्पेसिफिक लीफ लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, तो इसका नाम है फ्रॉन्ड. क्या है, जो फोटोसिंथेटिक पार्ट होगा लीफ लाइक, दैट इज फ्रॉन्ड, होल्ड फास्ट टू अटैच टू सबस्ट्रेटम. ठीक है, और ये जो है, दिस इज स्ट्राइप क्या है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर फ्रॉम विच इट कनेक्ट्स होल्ड फास्ट टू फ्रॉन्ड. स्टेम लाइक स्ट्रक्चर by which it connects frond to hold fast. These are major parts of the fucus. ये कौन सा space, ये देख रहे हैं, species देख रहे हैं हम, fucus. दिस इज एग्जाम्पल ऑफ ब्राउन अलगी फ्यूकस, जिसके पार्ट्स है होल्ड फास्ट स्ट्राइप एंड फ्रॉन्ट. दिस इज मिड रिब, दीज आर अदर पार्ट्स, दीज आर एयर ब्लैडर्स लाइक वैक्यूल्स, एयर ब्लैडर्स और वैक्यूल्स. ठीक है, तो इस तरीके से ये जो ब्राउन अलगी है उनका स्ट्रक्चर होता है, जिनके पास फ्रॉन्ड है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है लेकिन कंप्लीट लीफ नहीं है, जो क्या नहीं कह सकते हम, एक कंप्लीट लीफ लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, या फिर जैसे कि इसे हम जस्ट लीफ लाइक स्ट्रक्चर बोलेंगे क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक है. ठीक है, देन स्ट्राइप, दिस इज स्टेम लाइक बट नॉट अ स्टेम, होल्ड फास्ट, इट इज रूट लाइक बट नॉट अ रूट. ठीक है, तो ये इसमें डिफरेंस है. ठीक है, देन दिस इज थैलस, थैलस में यहाँ पे फ्रॉन्ड है, स्ट्राइप है, होल्ड फास्ट है, एंड दिस इज फ्यूकस. देन अदर एग्जाम्पल्स ऑफ ब्राउन अलगी, लेट मी राइट हियर अदर एग्जाम्पल्स. जैसे कि अभी हमने देखा फ्यूकस एक है, डिक्टियोटा एक्टोकार्पस प्लेनेरिया. ओके, देन और एक कैरेक्टर बचा है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ ब्राउन अलगी का, दे स्टोर फूड इन अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. फूड स्टोर्ड इन अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ये जो कार्बोहाइड्रेट है उनके जो क्या है स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, लाइक प्लानेरिया एंड मैनिटोन. ये क्या है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर है, उसी फॉर्म में क्या है ये फूड स्टोर करते हैं. जैसे कि हमने देखा था क्लोरोफाइसी में पाइरेनॉइड के फॉर्म में ये फूड स्टोर करते हैं, यहाँ पे प्लेनेरिया एंड मैनेटोल के फॉर्म में, ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल है, इसके फॉर्म में ये क्या है फूड स्टोर करते हैं. तो ये हो गया थियोफाइसी के बारे में, ये है उसके जनरल कैरेक्टर्स, स्ट्रक्चर एंड एग्जाम्पल, डिक्टियोटा एक्टोकार्पस प्लेनेरिया फ्यूकस. ठीक है, तो ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं.
These are marine and varies in shapes, having pigments of chlorophyll A and C and carotenoids and xanthophylls that shows brown color of algae. Okay, then next class Rhodophyce, red algae. अब हम देखेंगे red algae. Okay, let's see Rhodophyce. Third class of algae, that is red algae. जैसे हमें पता है ये color variations किसकी वजह से आते हैं, pigment की वजह से. Let's see the pigments. यहाँ पे रेड कलर शो करने वाले इम्पॉर्टेंट पिगमेंट आर फाइको इरिथ्रिन. फाइको इरिथ्रिन आर फाइको इरिथ्रिन इज द पिगमेंट दैट शोज रेड कलर. आर फाइको इरिथ्रिन इज द पिगमेंट दैट शोज रेड कलर इन रोडोफाइसी अलगीज. ठीक है, देन अदर पिगमेंट्स लाइक क्लोरोफिल ए एंड डी. देखो कैसे याद रखना है, कंपैरिजन कैसे करना है. जो क्लोरोफाइसी है उनमें क्लोरोफिल ए तो कॉमन है सब में, क्लोरोफिल ए भी है. जो फियोफाइसी है उनमें क्लोरोफिल ए सी है. जो रोडोफाइसी है उनमें क्लोरोफिल ए डी है. बी सी डी यहीं पे वेरिएशन है और क्लोरोफिल ए कॉमन है. ठीक है, आर फाइको इरिथ्रिन रेड कलर शो करेगा, ज़ैंथोफिल्स एंड कैरोटीनॉइड शो करेंगे ब्राउन कलर. ठीक है, देन ये हो गए पिगमेंट के बारे में. दीज आर मोस्टली मराइन एज लाइक थियोफाइसी, मोस्टली मराइन. लेकिन क्या क्या होता है यहाँ पे, They grows largely at warmer areas. ठीक है, अब ये क्या है, warmer areas मतलब जहाँ पे temperature जो होगा water का, marine water का, sea water का जो temperature होगा वो क्या होगा, थोड़ा सा warmer होगा. ठीक है, not hot, नॉट कोल्ड, वार्मर. जहाँ पे टेम्परेचर होगा वहाँ पे इनका पॉपुलेशन ज़्यादा देखने मिलेगा और वहाँ पे रोडोफाइसी अलगी जो रेड अलगीज हैं वो ज़्यादा देखने मिलेंगे. ठीक है, अब ये वार्मर एरियाज कहाँ पे होते हैं. ठीक है, दिस इज सी. ओके, दिस इज अर्थ, दिस इज ओशियन. ठीक है, अब इसे हम अर्थ की डेप्थ कंसीडर करेंगे. ठीक है, अर्थ की डेप्थ कंसीडर करेंगे. ये लैंड एरिया है, ये हमारा कॉमन लैंड एरिया है, ये है ओशन. ठीक है, और इसे हम अर्थ की डेप्थ कंसीडर करेंगे. मतलब लैंड से ये जो डेप्थ है वो बहुत ज़्यादा डीप है. कहाँ पे, अर्थ के सेंटर तक, somewhat like this, कुछ इस तरीके से समझो. दिस इज कंसिडर इट. ओके, जस्ट टू अंडरस्टैंड आई एम ड्रॉइंग इट, जस्ट टू अंडरस्टैंड. ठीक है, तो ये है सरफेस ऑफ ओशन, सरफेस ऑफ सी, ओशन, एनीथिंग. ठीक है, दिस इज डेप्थ. तो डायरेक्टली सनलाइट यहाँ पे आने से क्या होगा, ये जो अपर पार्ट है सी वाटर का वो वार्मर रहेगा देन दिस लोअर पार्ट. ठीक है, यहाँ पे डेप्थ में क्या है, जो सनरेज है वो नहीं जा सकते. ठीक है, और बॉटम में तो बिल्कुल भी सनरेज नहीं जा सकते. लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या नहीं होता है, कोल्ड नहीं होता है वाटर, यहाँ पे वार्मर होता है. क्योंकि ये क्या है, जो अर्थ का सेंटर है उसके पास होता है. ठीक है, तो ये जो मराइन
अल्गीज है, रेड अल्गीज एक तो देखने मिलेंगे सरफेस पे जहाँ पे वार्मर वाटर है, या तो और सी बॉटम पे जहाँ पे भी जो वाटर होता है वो क्या होगा, वार्मर होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो ये हो गई इनकी हैबिटेट। अब इनका जो सेल है सेल वॉल, इट इज ऑल्सो कवर्ड विथ सेल वॉल सेल्युलोज की है, कवर्ड विथ जिलाटिनस कोट, जिलाटिनस कोट लाइक कोलाजिन, लाइक कोलाजिन। ठीक है, देन फूड, फूड इज स्टोर्ड इन स्पेसिफिक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, स्पेसिफिक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट लाइक अमाइलोपेक्टिन, अमाइलोपेक्टिन एक कॉम्प्लेक्स टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, आई फॉरगेट इट्स नेम। तो आपको ये क्वेश्चन है कि इनका जो फूड स्टोर होता है, ठीक है, आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, आपके लिए आज क्वेश्चन है जो आप मुझे मैसेज करके बताओगे, इनका जो फूड है उस किस कार्बोहाइड्रेट में स्टोर होता है। ठीक है, लाइक उनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, अमाइलोपेक्टिन की तरह होगा, लेकिन उसको एक स्पेसिफिक नेम है। ठीक है, जो आपको पढ़ के मुझे मैसेज करना है कि जो रोडोफाइसी है उनका फूड किस टाइप के कार्बोहाइड्रेट में सेव होता है। ठीक है, तो रेड अल्गी इसका जो पिगमेंट है वो है आर फाइको यूरोथ्रिन, मराइन वाटर में ये ज़्यादा देखने मिलते हैं, लेकिन जहाँ पे ये वार्मर सरफेस होता है या फिर वार्मर बॉटम सी बॉटम होता है वहीं पे ये ज़्यादा देखने मिलते हैं, इनका पॉपुलेशन वहाँ पे ज़्यादा होता है। सेल वॉल भी इनकी जिलाटिनस है लाइक फियोफाइसी ब्राउन अल्गी। ठीक है, सेलुलोज इज कवर्ड विद अ जिलाटिनस कोट लाइक कोलाजिन। ठीक है, तो ये हो गए इनके कैरेक्टर, इनके भी शेप वैरी करते हैं सिंपल टू ब्रांच। और इनका जो रिप्रोडक्शन है वो वैरी करता है, जैसे फियोफाइसी का रिप्रोडक्शन वो सिमिलर है क्लोरोफाइसी के तरह, मतलब जो रेड जो ग्रीन अल्गी है एंड ब्राउन अल्गी है वो सिमिलर रिप्रोडक्शन शो करते हैं, लाइक फ्रैगमेंटेशन से होगा जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा, जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो जू स्पोर्स से होगा। रिप्रोडक्शन का हम क्या करेंगे, कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। ठीक है, रोडोफाइसी में रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव फ्रैगमेंटेशन से होगा। ठीक है, असेक्सुअल ये यहाँ पे जू स्पोर्स से नहीं होगा। ठीक है, हमें याद क्या रखना है, असेक्सुअल जो है वो होगा नॉन मोटाइल स्पोर्स से, नॉन मोटाइल स्पोर्स से। जू स्पोर्स क्या है, मोटाइल है, फ्लाजेलेटेड है, मतलब ये नॉन फ्लाजेलेटेड स्पोर्स होंगे। ये यहाँ का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो रिप्रोडक्शन है वो सारा, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो उनमें विदाउट फ्लाजेलास जो स्पोर है एंड नॉन फ्लाजेलेटेड गैमेट्स है उसी से ये रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी जो गैमेट होंगे वो कैसे होंगे, नॉन फ्लाजेलेटेड, नॉन फ्लाजेलेटेड गैमेट्स, मतलब उनको कोई फ्लाजेला नहीं होगा, लेकिन आइसोगैमस, अनिसोगैमस एंड ऊगैमस
बोट टाइप के ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है ये शो करेंगे, लेकिन जो आइसोगैमेट्स में हमने टाइप देखा था फ्लाजेलेटेड गैमेट्स एंड नॉन फ्लाजेलेटेड गैमेट्स, तो इनके जो गैमेट्स होंगे वो नॉन फ्लाजेलेटेड होंगे। ठीक है, ये किसका देख रहे हैं हम, सेक्स रिप्रोडक्शन रोडोफाइसी का। ठीक है, अब हम देखते हैं रिप्रोडक्शन का टाइप फियोफाइसी का, दिस इज ऑफ रोडोफाइसी, जहाँ पे जो गैमेट्स है एंड स्पोर्स है वो नॉन फ्लाजिलेटेड होंगे। ठीक है, नॉन मोटाइल होंगे। रिप्रोडक्शन ऑफ रोडोफाइसी, ठीक है। अब यहां पे हम देखते हैं फियोफाइसी, फियोफाइसी रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव फ्रैगमेंटेशन से होगा, जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो होगा जूस्पोर्स से। जो जूस्पोर्स होंगे उनके पास जो फ्लाजिलास होंगे वो बाय फ्लाजिलेटेड होंगे। जो जूस्पोर है वो बाय फ्लाजिलेटेड होंगे, मतलब दो फ्लाजिलास होंगे एंड दे आर प्रेजेंट एट लैटरल साइड्स, एक लॉन्गर वन एंड अनदर वन इज अ शॉर्टर वन। तो ये क्या है, जूस्पोर्स है विथ टू फ्लाजिलास, वन इज लॉन्गर वन एंड अदर वन इज शॉर्टर वन। देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय आइसोगैमस, एनिसोगैमस एंड ओगैमस। व्हेन ओगैमस हैपन्स इन फियोफाइसी ब्राउन अल्गी, इट हैपन्स इन ओगोनम, इट हैपन्स इन ओगोनम। अबाउट क्लोरोफाइसी वी हैव ऑलरेडी सीन, अबाउट क्लोरोफाइसी रिप्रोडक्शन बाय वेजिटेटिव फ्रैगमेंटेशन, असेक्सुअल बाय जूस्पोर्स एंड सेक्सुअल बाय आइसोगैमस, एनिसोगैमस, एनिसोगैमस एंड ओगैमस। सो लाइक दिस यू कैन कंपेयर ऑल द अल्गीज, ऑल द क्लासेस ऑफ अल्गीज फॉर रिप्रोडक्शन, फॉर देयर सेल वॉल एंड फॉर देयर पिगमेंट्स। ठीक है, इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट अवर न्यू फाइलम ब्रायोफाइटा। थैंक यू।